हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज आपको क्या कवर करना है। और देखिए, जैसे आप लोगों को सारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी वो पढ़ने के लिए दी गई थी लास्ट मंथ में, आप लोगों ने कवर कर ली बहुत अच्छे से। अब आपका देखिए, यहाँ पर अगस्त में हिस्ट्री की एनसीईआरटी उसी तरह से कवर कराई जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग जुलाई में ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हम लोग कवर कर चुके हैं। एक एक दो दो चैप्टर आपको डेली पढ़ने के लिए दिए जाते थे, कोई बर्डन भी आप लोगों को महसूस नहीं हुआ। और साथ में अब देखिए, यहाँ पर अगस्त आ गया है, तो अगस्त में यहाँ पर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है, इसकी एनसीईआरटी अब आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए दी जाएंगी। और आपको सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्या ला करके खरीदना है, वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए, हिस्ट्री है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर पीटी में हम बात करें आईएएस के पेपर में, तो 20 से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से हिस्ट्री, और खास करके मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये काफी अच्छा रोल रखता है। ओके, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसी तरह से मेंस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल हिस्ट्री रखता है। तो चलिए देख लेते हैं हिस्ट्री को आप लोगों को कैसे पढ़ना है। ये टास्क के आपको डेली सुबह 8 बजे मिल जाता होगा। ओके, देखिए आज थोड़ा सा हल्के इसलिए बोल रहे हैं कि आज लाइट है वो चली गई, और अभी लगभग में 3:30 या 4 बज रहे होंगे, और यहाँ पर सारे लोग हैं बगल में सो रहे हैं, और लाइट चली जाती है ना तो एकदम सन्नाटा छा जाता है चारों तरफ, कूलर वूलर है ना सभी के बंद हो जाते हैं, तो हमारी आवाज यहाँ पर गूंज रही है, तो हमें ऐसा लग रहा है कोई जग ना जाए, बेचारी की नींद ना बेकार हो जाए, इसलिए थोड़ा सा हल्के बोल रहे हैं आज, कोई बात नहीं। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग जब बहुत सारी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर देखते हैं, या फिर आप लोग किसी टॉपर की वीडियो देखते होंगे, तो एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आ जाता है कि हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ें या फिर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। और खासकर हिस्ट्री के लिए बोलते हैं कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो क्या अगर हमने पहले न्यू एनसीईआरटी खरीदनी है तो इसको कूड़ेदान में डालते हैं, आग लगा दें इनको? नहीं, देखिए आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बस आपको 2 से 3 मिनट में सारे के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर करते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। तो देखिए, अगर आपके पास में ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पर खरीद ली है ये एनसीईआरटी हिस्ट्री की 6 से लेकर के 12 तक की न्यू वाली खरीद ली है, तो आपको यही पढ़नी है, एकदम बेकार नहीं है। आपको सारा कंटेंट आपको लगभग में सेम देखने को मिलेगा, थोड़ा कंटेंट इसमें अलग है, और उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपके पास में है तो। ऐसा नहीं है आपको न्यू एनसीईआरटी जाकर के खरीदनी है और न्यू एनसीईआरटी पढ़नी नहीं, आपके पास ओल्ड अवेलेबल है तो आप ओल्ड भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में ज्यादा अपडेट नहीं होता है। जैसे इकोनॉमिक्स है उसमें बहुत ज्यादा अपडेट हो जाता है, लेकिन हिस्ट्री में क्या क्या अपडेट होगा, हिस्ट्री में ज्यादा अपडेट नहीं होता है। तो हिस्ट्री बोलते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ज्यादा बेटर है वो, एनसीईआरटी ज्यादा अच्छे से लिखी गई है, ज्यादा सिस्टमेटिक रूप से है, तो अगर आपके पास में ओल्ड है तो ओल्ड भी पढ़ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ओल्ड नहीं मिल रही है और हम चाहते हैं, हम नई नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम ओल्ड ही पढ़ना चाहते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? तो चलिए उसका अल्टरनेटिव भी बता देते हैं। तो देखिए, 3 बुक आपको देखने को मिलेंगी जो अल्टरनेटिव के रूप में आपको ओल्ड एनसीईआरटी के देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर एक प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत आपको देखने को मिलेगा। जो प्राचीन भारत है वो रामशरण शर्मा, और मध्यकालीन भारत है वो सतीश चंद्र आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह से आधुनिक भारत है वो आपको बिपिन चंद्र आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों के तीनों बुकें आपको बहुत आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। ये ओल्ड एनसीईआरटी का ही एक तरह से यहाँ पर ओरिएंट ब्लैक स्वान वाले हैं, उन्होंने उसका ही एक तरह से कंपाइलेशन यहाँ पर दे दिया है, 11th क्लास हो तो 12th क्लास का आपको देखने को मिलेगा। देखिए मैं साइड से हट जाता हूँ, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दुकान वाले को दिखा सकते हैं, भैया भैया ये आपके पास बुक है। वैसे तो आपको आराम से दे देंगे जब आप बोलेंगे रमेश, जो रामशरण शर्मा, सतीश चंद्र और विपिन चंद्रा, हमको एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक है वो हमको दे दीजिए, वो आराम से निकाल के एकदम दे देगा। लेकिन अगर ना पहचाने बेचारे नया नया दुकान वाला हो, तो उसको फोटो दिखा देना कि देखिए आरजी सर ने ये बताया है, दे दीजिए। तो देखिए मैक्सिमम लोग हैं वो यही रिफर करते हैं। आप सोचेंगे कि सर आपने 3 चीजें बता दी, हम तो और ज्यादा कंफ्यूज हैं कौन सी ले। तो देखिए आपके यहाँ पर अब हमने बता दिया, अगर आपके पास में न्यू अवेलेबल है, आप खरीद चुके हैं, तो आपको पुरानी के पीछे नहीं भागना है, तो आपको यही पढ़नी है। ओके, अगर आपके पास में ओल्ड अगर आप पढ़ना चाहते हैं और अभी आप तक आपने कोई भी एनसीईआरटी नहीं खरीदी है, लेकिन आप ओल्ड ही पढ़ना चाहते हैं, तो ओल्ड आपको मिल जाए तो आप ओल्ड ही पढ़ लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप अल्टरनेटिव पढ़ना चाहते हैं तो ये अल्टरनेटिव भी 3 बुक आपको देखने को मिलेगी, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी का ही आपको एक तरह से कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और मैक्सिमम लोग हैं, अब आप लोग ये भी सोचते होंगे कि मैक्सिमम लोग कौन सी पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम लोग हैं वो इसी को रेफर करते हैं, मतलब इन्हीं 3 बुक को ज्यादा रेफर करते हैं। तो आपको ये भी बता दिए कि ज्यादा लोग कौन से खरीदते हैं, तो ये वाली ज्यादा खरीदते हैं। ओके, इसके अलावा एक डाउट और आएगा, अभी 1-2 सालों से
जो कन्नड़ एडिशन आपको देखने को मिले, जो कन्नड़ वाली जो हिस्ट्री है, कहा जाता है कि कन्नड़ वाली हिस्ट्री है, वहां से क्वेश्चन है। तमिलनाडु बोर्ड आपको स्पेशली देखने को मिलेगा कि तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक है वहां से एक दो क्वेश्चन है वो पूछ लिए गए। अब भाई किसी साल में कहीं से पूछ लिया गया, तो ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट वहां पर दिया रखा है वो कंटेंट यहाँ पर ना दिया रखा हो। भाई उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने वो बुक पढ़ी थी तो उन्होंने बताया ये स्पेस से वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिए गए। तो ऐसा नहीं, ऐसे ये बुक्स एकदम बेकार होगी, इनको फाड़ के फेंक दो। अब हम तमिलनाडु बोर्ड की ही केवल हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, या फिर कुछ कोई बोल देगा इग्नू भी पढ़ो जाकर के, तो हम सिर्फ इग्नू की ही पढ़ेंगे। नहीं, देखिए आपको जो भी पढ़ना है एक ही पढ़िए। आप इग्नू भी पढ़ना चाहते हैं इग्नू की आप पढ़िए आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं। आप इसको पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़िए, तमिलनाडु बोर्ड को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो हिंदी में अवेलेबल नहीं। अब हिंदी वाले हमारे मैक्सिमम मेंबर हैं, वो कहेंगे सर तमिलनाडु बोर्ड की हमको हिंदी में प्रोवाइड करा दो। कहाँ से कराते हैं जब हिंदी में आती नहीं, वो इंग्लिश में आती है। इंग्लिश समझते हैं तो आप जाके पढ़ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो इतना आपको क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो आज आपको यहाँ पर 26 तारीख आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पर 3 अगस्त है। तो 3 अगस्त को आपको यहाँ पर हिस्ट्री एनसीईआरटी जो क्लास 6 की आपको देखने को मिलेगी, हमारा अतीत पार्ट 1 आपको देखने को मिलेगा, अवर पास 1 के नाम से इंग्लिश में देखने को मिलेगी। इसके आपको लेसन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये देखिए आपको 6 लेसन आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ने हैं। और देखिए हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है, हिस्ट्री को आपको एक नोबल की तरह, एक स्टोरी की तरह पढ़ा जाता है। जैसे आप लोग एक स्टोरी पढ़ते हैं ना, उसी तरह से जैसे स्टोरी पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ते हुए निकल जाना है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और पढ़ने के बाद में इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, जिसके नोट्स बनाने होंगे हम आपको बता देंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो ये तो कह दिया, वो 3 बुक ले आइए, आप तो ये टास्क दे रहे हैं, वो यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 का दे रहे हैं, मतलब एकदम क्लास 6 से आप दे रहे हैं, तो आप हम वो कैसे टास्क कवर करेंगे। तो देखिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, हम आपको 1 महीने में एनसीईआरटी आपको कवर करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कि 1 महीने में हम वो कैसे कवर कर सकते हैं, 1 महीने में हमको कितने पेज पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस हिसाब से आप लोग आराम से देख सकते हैं। ओके, तो वो भी आपको एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। आप जब आप देखेंगे तो वहां पर 10-11 दिन में आप एसेंट हिस्ट्री पढ़िएगा, 7 से 8 दिन में आप जो आपको देखने को मिलेगा मध्यकालीन भारत है वो पढ़िएगा, और 12 से 13 दिन में आराम से आप आधुनिक भारत है वो आप पढ़ लीजिएगा। तो आप उस तरह से शेड्यूल बना सकते हैं। और साथ में अब देखिए एक नया आपको और यहाँ पर टास्क है वो ऐड कर दिया गया। अब आपको डेली एक एडिटोरियल भी पढ़ना है। एडिटोरियल कहाँ मिलेगा, ये आपको आपके न्यूज़पेपर में मिलेगा, दैनिक जागरण, या फिर आप इंग्लिश का पढ़ते हैं तो वहां पर एडिटोरियल के नाम से आता है, हिंदी का पढ़ते हैं तो वहां पर लेख लेख के नाम से आता है। ये आपको अब पढ़ना है, हम आपको बोले ना हल्के हल्के टास्क का उदा हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, कुछ दिनों के बाद आपको रिविजन के लिए भी दिया जाएगा। ओके, तो टास्क हल्के हल्के बढ़ता चला जाएगा। तो एक टास्क और जुड़ गया, तो आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, इसके अलावा चलिए और यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बता देते हैं। हाँ, वो इम्पोर्टेंट चीज थी वो आपको बता चुके हैं बुक के बारे में, जो 3 अगर आप खरीदना चाहते। तो इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं मैपिंग टास्क के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एशिया की फिजिकल लोकेशन कुछ है, स्प्रिट आपको देखने को मिलेंगी, जल संध्या आपको देखने को मिलेंगी, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए कुछ प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेंगी, कुछ आपको इंडियन ओशन में भी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको पहली बेरिंग सी देखने को मिलेगी। तो बेरिंग सी कहाँ पर है, तो देखिए इधर आपको बेरिंग सी आपको देखने को मिल जाएगी। बेरिंग सी है तो बेरिंग स्ट्रेट वहां पर ही है, तो जो बेरिंग स्ट्रेट है तो आप आराम से खोज लेंगे। ये जो आपको अलास्का वाला पार्ट आपको रसिया का देखने को मिलेगा, ओके, और सॉरी यूएसए का अलास्का वाला पार्ट देखने को मिलेगा और रसिया वाला एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इन्हीं के बीच में इस तरह से जलसंधि आपको देखने को मिलेगी। तो कोई समस्या वाली बात नहीं, आप लोग इसको ढूंढ लेंगे। और देखिए यहाँ पर ला पेरोस आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ पर है, ये देखिए आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये आपको हम ओखोटस सीप आपको पढ़ाए थे ना, तो ओखोटस सी में ही आपको यहाँ पर सखालीन द्वीप देखने को मिलेगा, और सखालीन द्वीप और नीचे आपको हम आपको होकेंडो पढ़ाए थे, तो होकेंडो और सखालीन के बीच में ये पाया जाता है। फिर उसके बाद में आपको कोरिया स्ट्रेट देखने को मिलेगा, कोरिया स्ट्रेट का है जहाँ पर आपको कोरिया देश देखने को मिलेगा, वहां पर ही आपको देखने को मिलेगा, तो साउथ कोरिया। और साथ में आपको क्यूसी जो क्यूसू आपको देखने को मिलेगा, क्यूसू क्या है, जापान का ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको कल या परसों आपको दिए थे लोकेशन में, तो आप लोग आराम से ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा ताइवान स्टेट, तो ताइवान जहाँ पर है
तो वहां पर आपको ताइवान स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा, और लुजोन आपको देखिए, लुजोन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो फिलीपींस और ताइवान के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। फिर आपको मिडनाओ आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप फिलीपींस में आप लोग नीचे देखेंगे, साउथ में देखेंगे तो आपको मिडनाओ आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, फिर देखिए यहाँ पर जो देखिए इधर से थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो मक्षर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको देखिए सुंडा आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए सुंडा कहाँ है, तो देखिए सुंडा आपको देखने को मिलेगा कि जो सुमात्रा है और जावा है उसके बीच में आपको, देखिए मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूँ, सुमात्रा और जावा है उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब फिर आपको देखिए जो आपको मलक्का स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी, एफ एक्स्ट्रा बन गया कोई बात नहीं, मलक्का स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगी। मलक्का स्ट्रेट कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, और एक और आपको ग्रेट चैनल आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जो सुमात्रा है और अंडमान निकोबार है इसके बीच में आपको ग्रेट चैनल आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सारी लोकेशन है आपको सर्च करनी है, बहुत ही आसानी से आप लोग सर्च कर लेंगे। तो आप सर्च करने के बाद में लोकेट कर लीजिए, बाद में इनके बारे में सविस्तार में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो इसी तरह से आपको सब कुछ कवर करना है। टास्क के आप लोगों के लिए टाइम पर सुबह 8 बजे डेली मेल जाता है, और आप लोगों के लिए 3 बैचेस हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं, आप लोग आकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 3 बजे आप लोगों की पीसीएस की क्लास चलती है, उसी तरह से 6 बजे आप लोगों की आईएएस की क्लास चलती है, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ये लाइव क्लासेस चलती है। इसके अलावा 12 बजे के करीब में आप लोगों के लिए करंट अफेयर की एक रिकॉर्डेड क्लास शिवम सर के द्वारा दी जाती है, जिसमें द हिंदू का हिंदी में कंपाइलेशन किया जाता है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर की समस्या आ रही थी तो उस समस्या का भी समाधान कर दिया गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सेपरेट हमने इस तरह से प्लेलिस्ट बना दी, तो आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। और देखिए सभी लोगों के आई कार्ड हम बन गए हैं, जिन लोगों ने परसों से पहले फॉर्म भर दिया था तो उन सभी के आई कार्ड बन गए। ये नाम आप देख सकते हैं, कुछ नाम इसमें ऐड नहीं किए हैं हमने, मतलब जिन लोगों ने अभी 14 दिन के अंदर जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था उनके इसमें नाम नहीं होंगे, लेकिन उनके भी बन गए। अगर आप थर्ड ग्रुप में ऐड हैं और गर्ल्स ग्रुप में अगर आप ऐड हैं, तो अगर इन दो ग्रुप में से किसी भी ग्रुप में आप ऐड हैं तो आपका आई कार्ड यानी कि बन गया है। ओके, तो ये चीज है आपको खरीदनी है अच्छे से, बुक्स बुक्स लाइएगा, नोटबुक लाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी समस्या है तो आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। टास्क इसी तरह से कवर करते रहिएगा जैसे आप लोग कवर करते हैं, और एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। ओके।